नमस्कार, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ बिहार की राजधानी पटना में। बिहार में चुनाव का पूरा माहौल सरगर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां एक के बाद एक हो रही हैं और इसके बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें लोगों का क्या मन बना है, क्या मुद्दे हैं चुनाव के, सबसे बड़ा सवाल इस समय हमारे सामने ये है कि यह चुनाव बिहार की धरती में जो हो रहा है इसके मुद्दे क्या हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। और इसके लिए हमने रुख किया है शहर से लेकर गांव कस्बे तमाम जगहों पर और जानने की कोशिश की है कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अभी नीतीश का और मोदी सरकार का जो अलायंस है जनता दल यू और भाजपा का, जिसको बढ़त दिखाई जा रही है चुनावी सर्वों में, क्या वाकई ज़मीनी हकीकत वही है या जो रैलियां महागठबंधन की हो रही हैं उसमें जिस तरह का अपार जनसमूह उमड़ रहा है वह हकीकत है। बिहार की धरती क्या बदलाव चाह रही है इसकी पड़ताल करेंगे हम आपके साथ न्यूज़ क्लिक में बिहार की धरती पर। नीतीश जो कह रहे हैं ना सरकार जानते तो हम सबको कुछ होता रोजी रोजगार मिलता है ना, हमें कुछ नहीं है। नीतीश जो करवट पर कहती है नहीं पीछे का करवट पर कुछ मांगे को करे लेकिन ये ना सरकार ने नहीं करना करेले आता है कचरा वाला नगर निगम वाला धान ये चला हटाओ नहीं रहने देंगे दुकान को भी प्रशासन आता है तो ये करता है और गली गली का चैन है नहीं चैन है कुछ का चैन नहीं क्या जिंदगी है इधर रोड पर मर जाना पड़ा रह जाएगा तो हाथ नहीं गए तो हाथ का फेंक दो कपड़ा पर आओ क्या नीतीश जी के देंगे चाहे तो भाजपा को देंगे यही जो आदमी कोई दोनों लोग तो एक ही है। हाँ हाँ एक है मगर अच्छी अलग ना है। जैसे ये भाजपा जो है तो कमल छाते और उनको दूसरा रहती है तो हुआ ना। हाँ हाँ लेकिन नहीं अभी तो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो आप काफी खुश हैं उनसे। हाँ, हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? सब उनको वातावरण सब ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रामनंदन प्रसाद। कास्ट के हिसाब से क्या हुए? साव 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 जी हैं। अच्छा साव तेली साव हैं। अच्छा तेली मोदी जी वाली जाति है। अच्छा तो सबसे अच्छी बात आपको मोदी सरकार में क्या लगी? सब उनको वातावरण सब ठीक है, नौकरी वोकरी सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। नेता लोग आएंगे तो हम सब कुछ हटा रहे हैं ना कि दुकान हटाओ, रास्ता क्लियर करो, नेता जाएंगे पधारेंगे, साफ सफाई चाहिए ना उनको लिए, जगह चाहिए स्टेशन ना कि कोई दिक्कत नहीं हो गए। कभी वो बोल रहे हैं कभी आई थी रूहे लगी हटाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो जाति आपने बताई बनिया वो तो लोग मोदी को वोट देते हैं? अब देते हैं तो क्या मोदी है तो जाति है तो क्या वो हमको हमसे तो कर दिए, जाति अपना लगी ना हम अपना लगी ना जाति वो क्या कहें ठीक मेरे जाति मोदी सरकार है तो क्या हुआ कुछ फायदा है कुछ नहीं फायदा है, जाती है तो वो अपना मन से कर रहे हैं ना हम सबको कहाँ क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। हर की हर जाति रहता है जाति वो सरकार बन गया रहता है सरकार जातियों कहाँ मदद कर रहा है हम उनके वे मोदी जी के हैं रिश्तेदार मोदी जी क्या किए कुछ नहीं किए खाली अपना राजनीति करते रहते हैं। अभी जब से खुला है कितना दिन हो गया आपको खुला खुले हुए? ये मई जी के लॉकडाउन छूटा है तो जब से खुला तीन महीना हो गया तब तक चुनाव लगे तो खुल ही गया लॉकडाउन छूट ही गया चुनाव होगा तो देखिए क्या लॉकडाउन में कैसे काम किया क्या सब्जी बेचे सब्जी बेचे ओने ओने गए ठेलर चलाए औरत होके मजदूरी ऐसे कुछ कुछ किए तो हुआ न तो भूखे पेट बाल बच्चा लेके पड़ रही है और क्या है जिसको पति बीमार था तो भूखे बाल बच्चा लेकर ना राशन से कुछ के नहीं मेरा पतियो बीमार था उसी घड़ी कोई नहीं सहायता मिला कुछ नहीं वो तो कैसे कठिन से गुजरे जो हम ही सब जानते हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत है मजदूर बहुत पैदल चलाए हैं दिल्ली पंजाब से उनको भी बदलना है। आप पहले कहाँ काम करते थे? काम यही करते थे एयरपोर्ट। आपको क्या लगता है कि जो लोग सब लोग आए हैं बिहार से बाहर काम करते थे बिहार से आए हैं पैदल तो परेशानी में आए हैं
बंदी बंदी चल रहा है, लोग को कमाने के लिए मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं काम नहीं मिल रहा है, काम का बहुत खराब है, मजदूर का बहुत दिक्कत है काम करने का। बिहार में अभी कितना पैसा मिलता है आपको? अभी हम लोग को 300 मिलता है, 350, और काम तो नहीं मिलता है, 300 में मजदूरी नहीं मिलता है, आदमी को घर फिर के चल जाता है, फुल मजदूरी मांगने में काम नहीं, काम पैसा तो काम तैयारी, जब पैसा मांगते हैं तो काम नहीं, और पैसा काम तो काम है। रोड पर पड़ा रह जाइएगा, सरकार ना आ पाएगा, सरकार के फेंक दो उसको उधर उधर, ये तो होता है, अपना मनमानी करता है। हम तो ये सरकार के खिलाफ हैं कि मनमानी मत कीजिए, गरीब आदमी के देखिए तब ना आपको देखेगा, आप देखबे नहीं करते, 100 गांव में से 10% के करते हैं, 75% के सबको देखिए एक धांगली से, तब सरकार से, सरकार हम सब का, हम तो जागरूक होंगे कि सरकार के हमको सरकार कर रहा है, 10 गो के खाता पर चाहे जो चीज पर 10 गो को कुछ सामान बना देते, 10 गो के BPL बनाते, 10 गो के नहीं बनाते, ये बेकार ना है, बनाइए तो एक दूरदा बनाइए, कुछ भी काम करिए तो एकता बनाइए, एकता करिए तब ना जानेंगे हाँ सरकार हम सब लिए किए हैं, 10 गो के करते हैं 10 गो, ये के चलते सरकार से खिलाफ है हम, आप कुछ नहीं है, गरीब यहीं इधर उधर भटका चल रहा है, नीतीश जी गरीब के लिए कुछ आज तक किए नहीं अभी तक, वो तो खाली सड़क बनाते हैं, वो तो सड़क पेड़ पौधा लगाते हैं, कहिए ना सीधे लगा रहे हैं, कहिए फिर पेड़ पौधा लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सरकार सब बनता है, सब अपना अपना मनमानी करता है। पटना भाजपा और नीतीश का गढ़ रहा है, यहाँ पर भाजपा ने बहुत तगड़ी बैठक बनाई है, लेकिन हमने देखा कि क्लास डिवाइड है वो बहुत तगड़ा है, यहाँ पे जो मजदूर हैं उन्हें याद है कि लॉकडाउन में मोदी और नीतीश की गलत नीतियों से उन पर क्या असर पड़ा, वहीं जो थोड़ा सा संपन्न तबका है वह पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार में इस बार चुनाव जनता अपने मुद्दे तलाशते हुए तय कर रही है।